हमारा आधार कार्ड इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पे चेक कर लेना इसको और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मोबाइल पे एक मैसेज आएगा तो हमें मोबाइल को इस तरह से मैसेज को ओपन करना है। दोस्तों काफ़ी कमेंट आने के बाद मैंने ये वीडियो क्रिएट की है कि अपने आधार कार्ड को पीवीसी कार्ड में कैसे अप्लाई करते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीका है, आप अपना खुद का अपना आधार कार्ड मोबाइल से चाहे तो मोबाइल से, लैपटॉप कंप्यूटर से चाहे तो लैपटॉप कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ईजी स्टेप है जो कि आपको बारीकी से समझाऊंगा। ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है, 50 रुपये लगते हैं, 50 रुपये ऑनलाइन फीस है इसकी, 50 रुपये पे करके और आप घर बैठे अपने पीवीसी आधार कार्ड को मंगवा सकते हैं। आप अपना खुद का मंगवा सकते हैं या किसी कस्टमर का भी मंगवा सकते हैं और उनसे अर्निंग भी कर सकते हो 20-30 रुपये ऊपर लेके, और आप इस तरह से दिन के 200-400-500 रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पीवीसी कार्ड को मोबाइल से चाहे तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से चाहे तो कंप्यूटर से भी, अगर मोबाइल से आप कर रहे हो तो मोबाइल को आप डेस्कटॉप वर्जन में ऑन कर ले। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं कंप्यूटर पे आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें माई आधार टाइप करना है, ये आ जाएगा माई आधार, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए माई आधार कार्ड की ये साइट आएगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए माई आधार कार्ड की साइट खोलने के बाद यहाँ पे लॉगिन का इस तरह से ऑप्शन आएगा एक, यहाँ पे देखिए ये काफ़ी सारे ऑप्शन है। लॉगिन करने के बाद बहुत आसान हो जाता है इन पर काम करना, यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे या किसी कस्टमर का आधार आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो नंबर डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल लिया है और सिक्योरिटी के लिए इसे ब्लर कर दिया है। आप अपना आधार नंबर डाल सकते हो अगर आप अपना बनाना चाहते हो, और किसी कस्टमर का बनाना चाहते हो तो कस्टमर का नंबर भी डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर कैप्चर फिल करेंगे, अगर कैप्चर समझ में ना आए तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ पर फिल कर देंगे, छोटे अक्षर है तो छोटे में, बड़े है तो बड़े में। और देखिए यहाँ पे लॉग इन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है। एक मिनट का टाइम होगा, एक मिनट के तक अगर ओटीपी नहीं आता तो दोबारा रीसेंड कर सकते हो आप। मैं यहाँ पर ओटीपी डाल लेता हूँ, ओटीपी डालने के बाद लॉग इन पर क्लिक करेंगे। देखिए ये हमारे जो आधार कार्ड की साइड है, हमारे आधार कार्ड से लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम कुछ भी काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपडेट, डाउनलोड आधार कार्ड, ऑर्डर पीवीसी कार्ड, एड्रेस अपडेट, बैंक सेंडिंग स्टेटस है, इनके बारे में आपको बारीकी से समझा दूंगा। कमेंट करके बताइए अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें फ़िलहाल अपने पीवीसी कार्ड को ऑर्डर करना है। और हाँ देखिए यहाँ पर ये हमारा, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने प्रोफाइल पर, हमारा आधार कार्ड इस तरह से दिखाई देगा। अगर हमें बैक साइड देखनी है तो फ्लिप आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी बैक साइड इस तरह से दिखाई देगी। और फिर हमें लॉग आउट करना होता है तो लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले पीवीसी कार्ड को ऑर्डर करना है। देखिए मैं यहाँ ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके और यहाँ पे चेक कर लेना इसको और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। देखिए मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए, 50 रुपये पेमेंट लगेगी। यहाँ पे नेट बैंकिंग, वैलिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, शो ऑल पे क्लिक करेंगे। शो ऑल पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे UPI, व्हाट्सअप ये भी ऑप्शन हो चुके हैं, हमें UPI से क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास जौन सी भी UPI है, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, मोबाइल क्विक, मोबीक्विक, उसे आप पेड करेंगे। जैसे मैं पेटीएम पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमें अपनी पेटीएम आईडी डालनी होती है, मैं यहाँ पे अपनी आईडी डाल लेता हूँ। आईडी डालने के बाद उसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, देखिए इस तरह से मैसेज आएगा एक, तो हमें मोबाइल को इस तरह से मैसेज को ओपन करना है और इस तरह से नोटिफिकेशन ओपन करेंगे
पेटीएम बैंक की तरफ से मैसेज आएगा, उसको ओपन करेंगे और नीचे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन नेटवर्क एक्सेस पे क्लिक करेंगे, आपका पेटीएम ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे देखिए पेटीएम यूपीआई इस तरह से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है पे का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल पे क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आपका पासवर्ड है और ओके कर देंगे, तो आपकी पेमेंट इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएगी, आपका पेमेंट कट जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर में यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल दिखा दिया है, और ये हमारा एसआरएन नंबर है, इसे हमें कॉपी कर लेना है, इसका फ़ोटो ले लेना है और गो टू डैश पे क्लिक करेंगे और गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। आपको अगर इसकी रसीद चाहिए तो डाउनलोड पे क्लिक करके इसकी रसीद भी ले सकते हैं। रसीद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी रसीद इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, हम वापस से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यहाँ पेमेंट हिस्ट्री, और यहाँ से हम पेमेंट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री सक्सेसफुल हो चुकी है डैशबोर्ड पे क्लिक करके, और यहाँ से अपनी आईडी को लॉग आउट कर देंगे। देखिए नीचे करेंगे एक बार, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस, यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे और एसआरएन नंबर डालेंगे जो आपने फ़ोटो की ली होगी या कॉपी किया होगा उसको, वो नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे कैप्चर फिल करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए आपका स्टेटस यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा। करंट स्टेटस अभी दिखा रहा है प्रिंट इन प्रोसेस, हमारा अभी हमने इसको ऑर्डर किया तो प्रिंट इन प्रोसेस है, अभी इसका प्रिंट भी नहीं हुआ है, और इसके बाद आप यहाँ पे स्टेटस इस तरह से चेक कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।